दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे बटन को जरूर से दबा दें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है भारत में अवडी नमक में खतरनाक केमिकल का दावा टाटा साल्ट ने कहा है हमारा नमक सुरक्षित है जी हाँ दोस्तों वेस्ट एनालिटिक लेबोरेटरी के रिसर्च में यह खुलासा किया गया है कि एक किलो नमक में एक दशमलव नौ जीरो से लेकर के चार दशमलव नौ एक मिलीग्राम तक पोटेशियम फेरोसाइट मिल गया है और यह कैंसर पैदा करने के लिए पर्याप्त होता है अमेरिका और जर्मन समेत छप्पन देशों ने नमक में पोटेशियम फेरोसाइट का इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपको बता दें कि आयोडीन नमक में इस्तेमाल केमिकल से तरह तरह के कई तरह की की कई गंभीर बीमारियों के चपेट में आने का डर भी रहता है ग्रेथुन ग्रेस और सन्स फॉर्म के चेयरमैन शिवशंकर गुप्ता ने कहा है की अमेरिका में वेस्ट एनालिटिक्स लेबोरेटरी में भारत की कई ब्रांडेड कंपनियों में नमक की जाँच की गई है जाँच में नमक में पोटेशियम फेरोसाइनाइट नाम का

पेटीएम ने उन खबरों का खंडन कर दिया है जिसके अनुसार वह अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए यूजर्स पर चार्ज लगाना चाहती है कंपनी ने कहा है कि पेटीएम यूजर्स पर इस प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाओं के लिए बिना किसी शुल्क के उपयोग वो कर रहेंगे इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक इसके अनुसार कहा गया है कि पेटीएम कथित तौर पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर एक प्रतिशत डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर जीरो दशमलव नौ प्रतिशत और नेट बैंकिंग और यूपीआई आधारित माध्यमों से भुगतान करने पर बारह से पंद्रह रुपए की वसूली करेगी जी हाँ दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि बाजार के नजदीक आएंगे देश के सभी गांव शहर खरीदने के लिए मिलेगा आपको साढ़े छह लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन जी हाँ दोस्तों लोकसभा में जानकारी दी है जिसमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि इस योजनाओं का कार्यान्वयन दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं मजबूत की जाएगी और साथ ही डी और एल के अंतर्गत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को रोजगार भी मिलेगा उन्होंने कहा है कि इस योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती और आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है उन्होंने कहा है कि सभी चौतीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी गयी है आपको बता दें की ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध कराने के अनुसार इस योजना के तहत परिवहन सेवा का संचालन डी एस आई और एन आर एस के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह और उनके सदस्य करेंगे योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूह या उनके सदस्यों को वाहन खरीदने के लिए साढ़े छह लाख दें कि बिना मार्क वाला प्रोडक्ट बेहद हानिकारक होता है रामविलास पासवान का कहना है लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है की कि किसी भी प्रोडक्ट आरोप आई मार्क न होना जुर्म है उन्होंने कहा है की बिना आई मार्क वाला प्रोडक्ट बेहद हानिकारक होता है सरकार ने माना है की ऐसी शिकायत मिल रही है की एम आर पी से ज्यादा रेट पर होटल रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट मल्टीप्लेक्स के सामान बेचा जा रहा है यह सही नहीं है हमने कार्रवाई की है लेकिन बीच में कोर्ट आ जाता है आपको बता दें कि सरकार अब कानून के संशोधन करने पर विचार कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद जैन पुरिया ने बी एल धारकों और गरीब को होटल मल्टीप्लेक्स और डिस्काउंट दिए जाने की मांग की है आपको बता दें कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा है अब सरकार ने किसानों की इनकम के साथ पॉलिसी के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं सुशील कुमार सिंधे जी हाँ दोस्तों दलित चेहरा और गांधी परिवार के प्रति भरोसा सुशील कुमार सिंधे को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे बनाए हुए है लेकिन पार्टी में एक तबका ऐसा भी है जिसका मानना है कि जयपुर अधिवेशन में सुशील कुमार सिंधे ने हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया था जिससे पार्टी को 2014 और अब 2019 में चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है सिंधे के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि दो साल पहले जब उन्होंने पार्टी महासचिव के तौर पर हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप सोनिया गांधी को कहिए कि महज चार लोकसभा सीट वाले प्रदेश का कमान न दे मुझे किसी बड़े राज्य का प्रभारी बना दिया जाए लेकिन जब सिंधे सोनिया गांधी के सामने आए और सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि आपको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके इसे स्वीकार कर लिया जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि आयकर कानून का सेक्शन अस्सी सी इस तरीके से दस खास निवेश में पा सकते हैं डेढ़ लाख की छूट जी हाँ दोस्तों निर्मला सीतारमन पांच जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है इससे पहले यह जाहिर किया जा रहा है कि कानून के सेक्शन अस्सी सी के बारे में जिसकी मदद से टैक्स फाइलिंग के लिए छूट मिल सकती है सेक्शन में उन्नीस टैक्स कानून का एक हिस्सा है इस सेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट माध्यम के बारे में बताया गया है कि जिसमें से इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में छूट का सेक्शन से के के अंतर्गत लाने के लिए म्यूचुअल फंड के टैक्स फंड और एन और पी जीवन बीमा पॉलिसी सेविंग फंड डिपॉजिट स्कीम और पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सिक्योरिटी के लिए निवेश किया जा सकता है जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक की दोस्ती आगे बढ़ी है बीजेपी को मिल सकता है लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद जी हाँ दोस्तों बीजेपी गैर एनडीए दलों के नेता को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनाना चाहती है पिछले कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी ने ए के नेता एम बंथी दुरई को डिप्टी स्पीकर बना दिया था जिसमे से जगन रेड्डी के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया था वे नहीं चाहते थे की उनके राज्य में इस तरीके के मैसेज जाए की बीजेपी के साथ उनकी डील हो गई है आंध्र प्रदेश में मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोगों की अच्छी आबादी है यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ हुए हैं जिसमे से जगन मोहन रेड्डी पार्टी के कमान संभाल हुए जी यहाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या रहेंगे जी हाँ दोस्तों पिछले सात दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम सात पैसे की बढ़ोतरी

के साथ पेट्रोल के दाम सत्तर रूपए इक्वन पैसे प्रति लीटर मिल रही है वहीं डीजल के बारे में बात करें तो छो पैसे की बढ़ोतरी की गई है और यहां अब चौसठ रूपए तैतीस पैसे को झटका लग गया है कम नहीं होंगे जुर्माने की रकम जी यहाँ दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने एयरटेल वोडाफोन आइडिया को झटका दे दिया है रिलायंस जियो को प्वाइंट ऑफ इंटर कनेक्शन नहीं देने के मामले में ट्राई ने इन कंपनी पर लगाई जाने वाली जुर्माने की मात्रा को दोबारा करने से इनकार कर दिया है सूत्रों का कहना है कि 21 जून को ट्राई ने दूरसंचार विभाग को जवाब भेज दिया था टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने पेनाल्टी के मात्रा पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है ट्राई के नियम के मुताबिक पेनाल्टी की मात्रा सही है लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक पेनाल्टी पर सिफारिश की गई है हालांकि ट्राई का कहना है कि दूरसंचार विभाग चाहे तो पेनाल्टी कम कर सकता है अब कंपनी का तीन करोड़ की पेनाल्टी लग सकती है आपको बता दें की कंपनी पर रिलायंस जियो को प्वाइंट ऑफ इंटर नहीं देने का आरोप था जिसमे से डिजिटल कम्युनिकेशन सोलह जुलाई को अंतिम फैसला करेगा इस तरीके से डीसीसी के पेनाल्टी झंडी भी दिखा दी है, लेकिन DCC ने ट्राई से पेनाल्टी की मात्रा पर विचार करने को कहा है डीसीसी के मुताबिक कंपनी पर पेनाल्टी की रकम काफी ज्यादा है जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि संपूर्ण भारत में आज मौसम क्या रहेंगे आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में मुंबई समेत उत्तरी कोंकण गोवा में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है झारखंड उड़ीसा में तटीय भागों में अधिकांश इलाकों के माध्यम से भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बेहतर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है इसके अलावा दक्षिण कोंकण गोवा पूर्वी और मध्य प्रदेश के समेत छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उड़ीसा असम मेघालय और तटीय कर्नाटक के इलाकों में हल्की मात्रा में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है वहीं बात करें उत्तराखंड पूर्वी राजस्थान बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम पूर्वोत्तर भारत और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है बात करें जम्मू कश्मीर गुजरात राय, सीमा और केरल में तो एक दो स्थान पर हल्की बारिश हो सकती जी है जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका सिंगापुर में 44 करोड़ रुपए होंगे जब भारतीय जांच एजेंसी निदेशालय ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में यह आदेश जारी किया गया है नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है एजेंसी ने कहा है कि खाता पैलीवन पॉइंट कार्पोरेशन के नाम पर बैंक खाता है यह कंपनी ब्रिटिश वर्जित आयरलैंड में स्थित है यह कंपनी से अंततः लाभान्वित होने वाले दो व्यक्तियों में पूर्वी मोदी और मयंक मेहता का नाम है पूर्वी मोदी नीरव मोदी की बहन है और मयंक मोदी इनके बहनों ही है भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें कि जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार यमुना में जल संचय परियोजना को कैबिनेट दे दी है मंजूरी केजरीवाल ने कहा है कि डूब क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे जो यमुना के अधिक जलस्तर के जल का संचय करेंगे केजरीवाल ने बताया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पांच सदस्यों वाली एक टीम गठित की गई है और उसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है